गुड इवनिंग एवरीवन, जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आफ्टर लॉन्ग टाइम आपकी कंप्यूटर क्लासेस फिर स्टार्ट हो रही है यूट्यूब पर। लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे मेमोरी की दो क्लासेस हुई थी, उसके बाद हम लोग का क्लासेस बंद हो चुकी थी, बट अब वापिस से स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए जहां पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं आपका मेमोरी टॉपिक, जो लास्ट हमारा चल रहा था उसी से आज स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, मेरे पढ़ाने के बाद जो पीडीएफ रहेगी आपको यहीं से अवेलेबल होगी, तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो ज्वाइन कर लीजिए। ये है हमारा यूट्यूब क्लास का स्केड्यूल 21 जुलाई के लिए। जो करंट अफेयर्स की क्लासेस है वो आपकी 8 बजे है, रीजनिंग की 11 बजे, हिंदी की 12 बजे, स्टैटिक जीके की शाम को 5 बजे और कंप्यूटर की शाम को 6 बजे। ठीक है, अब बेटा मिस करने की जरूरत नहीं है, अब आपकी डेली रहेगी क्लासेस, कंटिन्यू ही रहेगी। ये है हमारा बैंकिंग चैनल, उस पे आपकी स्पेशल क्लासेस है और पीएससी के चैनल पे भी आपकी स्पेशल क्लासेस है, तो ये स्केड्यूल आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग लास्ट थे कंप्यूटर मेमोरी पे, जिसकी दो क्लासेस हो चुकी थी। ठीक है, हाँ जी, अब रोज दर्शन होंगे, टेंशन मत लो। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर मेमोरी। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है, पहली आपकी प्राइमरी और दूसरी आपकी सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आपको मैंने बताया था वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल और सीपीयू मेमोरी। सीपीयू में आपका आता है रजिस्टर कैश मेमोरी, वोलेटाइल आपकी जो रैम होती है। फिर रैम के मैंने आपको तीन टाइप बताए थे, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम और आपका वर्चुअल मेमोरी। ये तीनों मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। फिर हम लोग थे रोम पर, तो रोम से हम लोग को फिर से स्टार्ट करना है क्योंकि आपका टाइप्स ऑफ रोम नहीं हुआ था, तो स्टार्ट करते हैं रोम से। प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही हम लोग पढ़ रहे थे रोम, तो रोम का फुल फॉर्म आपको मैं लास्ट फर्स्ट क्लास में ही बता चुकी थी, जो मेमोरी की फर्स्ट क्लास हुई थी। जिन्होंने मेमोरी की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो देख लीजिए, क्योंकि सीक्वेंस में चल रहा है तभी आपको बेटा समझ में आएगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। हाँ, ये सब हम लोग प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम देख चुके हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं रोम से। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आता है, रोम स्टैंड्स फॉर, रोम का पूर्ण रूप है, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अरे बेटा कहीं नहीं गई थी, अब आप, मैं कंटिन्यू रहूंगी, मेरी क्लासेस डेली रहेगी, तो शाम को 6 बजे डेली आप लोग आ जाइएगा यूट्यूब पर, अब हम लोग डेली रहेंगे। चलिए, रीड ओनली मेमोरी, इसे और क्या कहा जाता है, स्थाई मेमोरी कहा जाता है। स्थाई मतलब नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल या फिर परमानेंट, मतलब ये होती है आपकी स्थाई मेमोरी होती है। कहने का मतलब है, मैंने आपको लास्ट टाइम जब रैम पढ़ाया था उस समय आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई थी। क्या बताया था उसके अंदर, कि आप लोग का वोलेटाइल क्या होता है। चलिए, आज बहुत समय बाद आपका क्लास हो रहा है तो वोलेटाइल और एक बार नॉन वोलेटाइल मैं आपको क्लियर कर देती हूं। वोलेटाइल जो होता है वो होता है आपका अस्थाई मेमोरी। अस्थाई मेमोरी मतलब होता है, अस्थाई का मतलब होता है वोलेटाइल मतलब अस्थाई। अस्थाई का मतलब होता है एक बार आपका पावर ऑफ किया, जैसे ही पावर ऑफ किया, जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद किया, आपका डेटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट। ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी में आपकी क्या थी, रैम थी, जो मैं आपको बता चुकी थी, दैट इज योर रैंडम एक्सिस मेमोरी। बेटा रोज ही रहेगा क्लास, ठीक है, रोज शाम को 6 बजे बेटा, ठीक है, रोज शाम को 6 बजे, हाँ YouTube पर शाम को 6 बजे रहेगा। रोम तो बेटा नॉन वोलेटाइल है, रोम में जो डेटा स्टोर्ड होता है आपका परमानेंट होता है, तो रोम में आपको पढ़ाने वाली हूं, आपको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्लियर कर रही हूं। अस्थाई मेमोरी मतलब टेम्परेरी होता है आपका, टेम्परेरी मतलब जो आपका विद्युत सप्लाई बंद किया, पावर ऑफ किया, आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है। ओके, और आपका नॉन वोलेटाइल जो होता है,
नॉन वोलेटाइल मतलब होता है आपका स्थाई, स्थाई मतलब परमानेंट। पावर ऑफ भी कर दो तो भी इसका डेटा क्या रहेगा, इसमें बना रहेगा। पावर ऑफ करने पर भी डेटा कैसा रहेगा, रिटेन रहेगा, डेटा इसमें बना रहेगा, डेटा लॉस्ट नहीं होगा। चाहे आप कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप 4 दिन बाद खोलो, 8 दिन बाद खोलो, उसका डेटा वहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये होता है आपका नॉन वोलेटाइल, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मतलब डेटा आपका परमानेंट है, स्थाई है, वहीं पर स्टोर रहेगा। यहां तक समझ में आया, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो रैम जो, रोम जो होती है वो आपकी स्थाई मेमोरी होती है, रोम स्थाई होती है, नॉन वोलेटाइल परमानेंट होती है। विद्युत सप्लाई बंद कर देने पर भी रोम में सूचनाएं बनी होती है। रोम आपकी इस तरह की चिप होती है जो कहां पे लगी होती है, मदरबोर्ड पर लोकेटेड होती है, ठीक है। नहीं बेटा अनिष्का, ये मेरी फर्स्ट क्लास नहीं है, ठीक है। आज से वापिस से स्टार्ट हुई है बेटा, बहुत समय बाद, ठीक है। तो रोम में जो डेटा होता है, नाम से ही क्लियर है, रीड ओनली मेमोरी। रोम में जो डेटा होता है उसे सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थाई। अगर जो रोम में डेटा स्टोर्ड है वो परमानेंट होता है, आप पावर ऑफ भी कर दो तो भी वो डेटा बना रहेगा, चाहे आप 4 दिन बाद खोलो या मत खोलो, उसका डेटा कहीं नहीं जाएगा। सुनिए, पढ़ा जा सकता है, इसमें लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। रोम में डेटा तथा निर्देश निर्माण के समय ही भर दी जाती है और कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता है, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसमें जो डेटा और इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं वो निर्माण के समय ही लिख दिए जाते हैं, उसे सिर्फ हम यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। वो होते हैं बेटा बायोस। बेटा मेरी डेली क्लास शाम को 6 बजे रहेगी। मैं आपको बता रही थी रोम में जो डेटा स्टोर्ड होता है, जिसकी बात की जा रही है, जो आपका निर्माण के समय ही इंस्ट्रक्शन और डेटा भर दिए जाते हैं, वो होते हैं आपके बायोस। बायोस का फुल फॉर्म होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह वह निर्देश होते हैं जो किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। इसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जांच की जाती है कि वह प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं। ये होते हैं आपके बायोस, ठीक है, ये होते हैं आपके बायोस। तो रोम में जो सूचनाएं होती है निर्माण के समय ही भर दी जाती है। इन बायोस निर्देश को केवल हम यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसे कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। दीपक डोंट वेरी, अब डेली रहेगी क्लास, ठीक है। अभी आप लोग पढ़िए, लास्ट के 5 मिनट हम लोग बातें करेंगे। सुनिए, इसे और क्या कहा जाता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सेमीकंडक्टर मेमोरी, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है जो कि आपका क्या होता है, अर्धचालक पदार्थ होता है, ओके। तो रोम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ये होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, जो प्रोग्राम और निर्देश स्टोर होते हैं, वो आपके परमानेंट होते हैं, मतलब नॉन वोलेटाइल होते हैं, मतलब स्थाई होते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो मूवी देखते हो 4 साल पहले, वो आपके दिमाग से उसका अगर मैं पूछूंगी कि लास्ट में क्या हुआ था, उसका कंक्लूजन, तो आपको सबको याद होगा। सपोज बाहुबली मूवी के लास्ट में क्या हुआ था, तो सबको याद होगा। तो उस तरह की मेमोरी आपकी कैसी होती, रोम, जिसमें आपका डेटा परमानेंट स्टोर हो जाता है, आप परमानेंट जिस चीज को स्टोर कर लेते हो वो होती है आपकी रोम। पर जो पढ़ाई लिखाई की चीजें होती है वो आप लोग भूल जाते हो, वो आप लोग किस में स्टोर करते हो, वोलेटाइल मेमोरी में, आपकी रैम में स्टोर करते हो, ओके। तो ये होता है आपका वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थाई, इसमें डेटा और सूचना बनी रहती है। इसमें जो होता है आप सिर्फ डेटा को पढ़ सकते हो, लिख नहीं सकते हो, और सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दी जाती है,
और उन सूचनाओं को प्रोग्राम्स को कहा जाता है बायोस। बायोस के बारे में डिटेल्स में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप लोग इतना याद रखिए, बायोस जो होता है वो आपके वह डेटा और निर्देश होते हैं जो किसी कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए चलाया जाते हैं कंप्यूटर द्वारा। ठीक है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अर्धचालक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। और ये कहां पे लोकेटेड होती है? आपके मदरबोर्ड पर लोकेटेड होती है। मैंने आपको बताया था पहले भी जो क्लासेस हुई है, मदरबोर्ड जो होता है आपका एक बोर्ड होता है, मुख्य बोर्ड होता है जिस पर आपके कंप्यूटर के वर्क करने के लिए जो भी मुख्य कंपोनेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, चिप के फॉर्म में लगे होते हैं। जैसे आपका सीपीयू, रैम, रोम, ये सब आपके किसके फॉर्म में लगे होते हैं? चिप के फॉर्म में। कहां पर लोकेटेड होते हैं? आपके मदरबोर्ड पर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूं। तो एग्जाम में इस पे इस तरह से क्वेश्चन बनता है, रोम जो होती है वो कहां लोकेटेड होती है? वो होती है आपकी मदरबोर्ड पे। ठीक है, मदरबोर्ड पर लोकेटेड होती है। ठीक है बेटा, थोड़ा धीरे पढ़ाती हूं, फास्ट हो रहा है क्या? सभी को फास्ट लग रहा है क्या? चलिए, टाइप्स ऑफ रोम, इसके फुल फॉर्म्स में आपको पहले भी क्लास में लिखवा चुकी हूं। पी रोम का फुल फॉर्म आपका होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एग्जाम में बेटा पूछा जाता है फुल फॉर्म। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म याद होने चाहिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका कुछ हिंदी नहीं होता है, आपको पहले भी बता चुकी हूं, तो इसको आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा जो हिंदी मीडियम से भी बिलोंग करते हैं। बेटा पी रोम का अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है वो होता है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जिन्होंने अभी तक याद नहीं किया हो याद कर लीजिएगा। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम का फुल फॉर्म वही रहेगा, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में फुल फॉर्म पे मेनली फोकस किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आते हैं इन रोम्स के प्रकार, इन रोम में क्या डिफरेंस है। अभी मैंने आपको बताया रोम में आप लोग डेटा को चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, बट हम लोग इससे क्या हुआ कि आप लोग जो एक बार इंस्ट्रक्शन और डेटा लिख दिए वो चेंज नहीं होते हैं। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, आविष्कारक होते हैं, उन्होंने रोम के प्रकार बनाए। ठीक है, तो कौन कौन से रोम्स होते हैं चलिए देखते हैं। आपका सबसे पहले पी रोम, पी रोम जो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह जो रोम होती है पहले इनिशियली ब्लैंक होती है, यह इसका पहला प्रारंभिक रूप जो होता है ये खाली होता है, प्रारंभ में खाली होती है। इस पे जो डेटा और निर्देश लिखे जाते हैं मैन्युफैक्चरर, निर्माता द्वारा लिखे जाते हैं जो किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, पी रोम जो होती है यह जो होती है इनिशियली खाली होती है। ठीक है, इसमें एक बार प्रोग्राम या डेटा लिखे जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, और इसमें अगर लिखने में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसी रोम चिप होती है जो इनिशियली तो खाली होती है, इसमें निर्माता या मैन्युफैक्चरर द्वारा निर्देश लिखे जाते हैं जो कंप्यूटर के लिए जरूरी होते हैं, जैसे आपके बायोस। इन निर्देशों को लिखा जाता है, ठीक है, इन निर्देशों को लिखा जाता है। एक बार ये निर्देश लिखा गए फिर ये चेंज नहीं हो सकते,
निर्माता भी इसे चेंज नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चरर भी इसे चेंज नहीं कर सकता, इसलिए इसे कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार जो लिखा गया वही लिखा रहेगा, फिर जिसने लिखा है वो भी उसे चेंज नहीं करेगा। अगर कोई त्रुटि हो गई है तो वो फिर ये वाली रोम चिप री आपकी यूजेबल नहीं रहेगी, वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इस पे जो निर्माता लिखते हैं वो एक बर्नर नाम का टूल होता है, पी रोम बर्नर, उसकी सहायता से लिखते हैं। जिस तरह से कॉपी पे लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पेन का या पेंसिल का, ये डिजिटल बोर्ड पे लिखने के लिए किसका यूज कर रही हूं मैं, डिजिटल पेन या स्टाइलस का यूज कर रही हूं, ठीक है। उसी तरीके से रोम चिप पर डेटा लिखने और पढ़ने के लिए जो टूल यूज होता है उसे कहा जाता है पीरोम बर्नर। उसे क्या कहा जाता है बेटा, पीरोम बर्नर। तो ये आपको याद रखना है, रोम चिप, पीरोम जो होती है इनिशियली खाली होती है, इस पे पीरोम बर्नर की सहायता से, बर्नर एक टूल है, जैसे आपका पेन एक टूल होता है ना, जिसके सहायता से आप कॉपी पे पेन पे कॉपी पे लिख पाते हो, या मैं बोर्ड पे लिख पा रही हूं इस पेन के माध्यम से, उसी तरीके से जो रोम चिप होती है उस पे डेटा लिखने के लिए बर्नर नाम का टूल यूज होता है, डिवाइस उपकरण आपका यूज होता है, जिसके माध्यम से आपके निर्देश जो कंप्यूटर के वर्क करने के लिए जरूरी होते हैं वो लिखे जाते हैं। यहां तक आया समझ में, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताओ बेटा, जल्दी बताओ, रोम समझ में आया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस टाइप की रोम इनिशियली ब्लैंक होती है, इसका उपयोग निर्माता और जो आपका मैन्युफैक्चरर होता है वह निर्देश लिखने के लिए करता है जो कंप्यूटर के लिए वर्क के लिए जरूरी होते हैं, जैसे बायोस। एक बार जो डेटा और निर्देश लिखा गए हैं उसे वह खुद भी चेंज नहीं कर पाता है, इस केस में आपकी जो डिस्क आपका रोम होती है वो अनुपयोगी हो जाती है, अनयूजेबल हो जाती है। तो इससे निपटने के लिए साइंटिस्ट जो होते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं, उन्होंने एक और रोम बनाई जो आती है आपकी ईपी रोम। क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, इस रोम में जो डेटा लिखा गया है उसको इरेज कर सकते हो, ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि उसको आप इरेज कर सकते हो। उसे आप इरेज कर सकते हो, ओके। तो नाम क्या है इसका, इरेजेबल, मतलब ये रोम चिप में जो डेटा लिखा हुआ है उसे इरेज कर दूसरा डेटा लिखा जा सकता है। अगर आपसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसमें डेटा को इरेज करके वापस से लिखा जा सकता है, पर उसके लिए जो यूज होती है वो यूज होती है आपकी अल्ट्रा वॉयलेट लाइट, ठीक है। इस प्रकार की रोम में डेटा को इरेज करने के लिए क्या यूज होती है, अल्ट्रा वॉयलेट लाइट, ठीक है। और इसके लिए जो आपका ईपी रोम, जो रोम होता है उसको सर्किट से निकालना पड़ता है, ठीक है। पहली चीज, इस प्रकार की रोम को डिलीट, इसमें जो डेटा रहता है उसको डिलीट करके दूसरा लिखा जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके लिए उसे सर्किट मतलब कहां पे लगी होती है वो, मदरबोर्ड पे, तो मदरबोर्ड से उसको निकालना पड़ता है। और डिलीट करने के लिए जो यूज होता है, जैसे आपको कॉपी पे कुछ गलत लिख देते हो तो किसका यूज करते हो आप, इरेजर का। यहां पे मैं कुछ गलत लिख देती हूं तो किसका यूज करती हूं, ये वर्चुअल इरेजर का। इसी तरीके से इस जो रोम चिप होती है इसमें डेटा को इरेज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अल्ट्रा वॉयलेट लाइट का उपयोग किया जाता है। इसी वजह से दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज यूवी ईपी रोम। इसी कारण इस रोम चिप को अल्ट्रा वॉयलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है। आया समझ में, ठीक है, अल्ट्रा वॉयलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है। इस प्रकार के रोम के प्रोग्राम को अल्ट्रा वॉयलेट लाइट द्वारा मिटाया जा सकता है
और फिर उपयोगकर्ता या निर्माता द्वारा इपीरोम बर्नर द्वारा रीराइटेबल या फिर उसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। इस पे भी डेटा को लिखने के लिए इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या टूल यूज होगा, यहाँ पे भी यूज होगा आपका बर्नर। पर ये बर्नर किस रोम के लिए यूज हो रहा है, इपीरोम के लिए, इसलिए इसके आगे लगा दिया इपीरोम। जो प्रोम के लिए यूज हो रहा था उसे प्रोम का बर्नर कह दिया। ओके, यहां तक क्लियर है, समझ में आया? दोनों प्रकार की रोम देख लो बेटा, ठीक है, देख लीजिए, ये समझ में आया। पीरोम, पीरोम मैंने क्या बताया था, एक बार जो डेटा और निर्देश लिख दिए निर्माता भी उसे चेंज नहीं कर सकता, वो कैसी हो गई आपके लिए, अनुपयोगी हो गई, अनयूजेबल हो गई। फिर एक और आई आपकी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इसमें आप अल्ट्रा वॉयलेट हम या फिर निर्माता जो होते हैं अल्ट्रा वॉयलेट लाइट की सहायता से इसमें जो डेटा निर्देश है उसे बदल सकते हैं, उसे चेंज करके दूसरा डेटा और निर्देश लिखे जा सकते हैं, इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। बट किसके माध्यम से, अल्ट्रा वॉयलेट लाइट के माध्यम से इरेज किया जा सकता है, बर्नर की सहायता से डेटा को लिख सकते हैं, बट इसके लिए उसे सर्किट से निकालना पड़ता है। क्लियर है? आई होप आपको रोम के दोनों प्रकार क्लियर होंगे। थर्ड जो टाइप है रोम का वो है आपका डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम को कहा जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, जो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इरेज किया जा सके, डबल ईपी रोम को प्रोग्राम किया जा सकता है और इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से डेटा को मिटाया जा सकता है, वो कहलाती है आपकी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जिसमें डेटा को इरेज कर सकते हैं, प्रोग्राम को इरेज कर सकते हैं, प्रोग्राम को रीराइट कर सकते हैं, वो कहलाती है आपकी डबल ईपी रोम। क्लियर है? ठीक है, इस प्रकार के रोम को सर्किट से हटाए बिना पुराने प्रोग्राम को बिजली की मदद से हटाकर उस पर नया प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ईपी रोम में बताया था, इसके पहले वाली जो रोम पढ़ाई थी, कि उसके लिए आपको सर्किट से निकालना पड़ता है रोम चिप को, तब जाके आप अल्ट्रावायलेट लाइट के माध्यम से डेटा को इरेज कर पाओगे। बट इस केस में बेटा आपको सर्किट से, मतलब मदरबोर्ड से रोम को नहीं निकालना पड़ता है और इलेक्ट्रिकली आप डेटा को क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है डबल ईपी रोम। इसके नाम में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इसमें डेटा को इरेज और आप क्या कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच विकास। चलिए आगे देखें, टाइप्स ऑफ रोम सभी को समझ में आया? जितने भी बच्चे लाइव है सबको टाइप्स ऑफ रोम क्लियर है। प्रोम, इप्रोम, डबल ईपी रोम। प्रोम जो एक बार प्रोग्राम कर दी निर्माता भी उसे चेंज नहीं कर सकता, इप्रोम इरेज हो सकती है अल्ट्रावायलेट लाइट की सहायता से, डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से उसको इरेज और रीराइट कर सकते हैं। सिंपल बेटा शिखा, वो तो अभी नहीं पता। चलिए, रोम के एडवांटेज क्या है? ठीक है, तो रोम के एडवांटेज है, ये स्थाई होती है। ठीक है, इसमें सूचना परमानेंट रहती है, पावर ऑफ करने पर ऐसा नहीं कि चली जाती है। ठीक है, फिर आपका रैम की अपेक्षा में सस्ती होती है, रोम चिपर होती है, रैम के कंपैरिजन में सस्ती होती है। फिर ये मोर रिलायबल होती है, अधिक विश्वसनीय होती है। फिर इसके अलावा इसमें जो होता है स्टैटिक होती है और डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। जैसे कि हम मैंने रैम में पढ़ाया था आपको, डायनामिक रैम के अंदर क्या होती है, रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है टू स्टोर डेटा। यहाँ पे रोम में ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि रिफ्रेश करो, तो ये उसके कंपेरिजन में अच्छी होती है। बट एक ही डिसएडवांटेज है बेटा कि ये धीमी होती है, स्लो होती है रैम के कंपैरिजन में। एग्जाम में बेटा पूछा जाता है कंपैरेटिवली कि रैम और रोम में कौन सी फास्ट होती है, तो याद रखिएगा रैम फास्ट होती है और रोम आपकी स्लोअर होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
चलिए, और रोम यहाँ पे खत्म होता है। रोम तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर स्टार्ट कर रहे हैं हमारी कैश मेमोरी या कैचेस मेमोरी जिसे कहा जाता है। अंकिता बेटा अभी तक तो नहीं पता पड़ा है, जैसे ही पता पड़ेगा आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू शिका, थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी देखिए आप लोग, स्टार्ट करते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है, पहले आपको बता देती हूँ, डायग्राम से समझते हैं। ये है आपकी मेन मेमोरी जो कि आपकी होती है रैम। ठीक है, मैंने आपको बताया था रैम में रैंडम एक्सिस मेमोरी, जो भी आपका करंट एग्जीक्यूशन होता है, प्रेजेंट का वर्क होता है, वो कहां से होता है? रैम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर में खाना बनाते हो तो खाना आपका किसमें बनता है? कुकर या कढ़ाई में बनता है। आप खाते काई में हो? कुकर या कढ़ाई में तो हम खाते नहीं है, तो वो आपका क्या हो गया? हार्ड डिस्क हो गया, जिसमें आपका सारा डेटा रहता है। बट खाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आपका खाने के लिए जो हम यूज करते हैं वो आपका प्लेट यूज करते हैं, प्लेट में लेके खाते हैं। तो रैम आपकी प्लेट की तरह हुई, जहां पे जो भी प्रेजेंट में एग्जीक्यूशन होता है, करंट में एग्जीक्यूशन होता है, वो कहां पे होता है? आपका रैम में होता है। ओके, रोम, जी हाँ। चलिए, कैश मेमोरी स्टार्ट करने से पहले एक दो क्वेश्चन आपके रोम से है। ठीक है, रोम से मैं पूछती हूं, आपके फोन में कौन सी रोम होती है? जल्दी बताइए, हमने तीन टाइप की रोम पढ़ी है, आपके फोन में कौन सी रोम होती है? जल्दी बताओ, ये तीन टाइप की रोम में कौन सी रोम होती है? और मुझे बताइए कमेंट करके कि हमारे कौन कौन से डिवाइसेस में रोम होती है। रोम बेटा ज्यादा बड़ी होती है धर्मेंद्र। रोम के बारे में हमने कुछ जनरल चीजें डिस्कस करते हैं, ये तो पूरा टेक्निकल पढ़ लिया। आप लोग कहां कहां रोम चिप देखते हो, जल्दी बताओ। क्या आपके फोन में रोम है? अगर है तो कौन सी रोम है, जल्दी बताओ। अब बेटा डेली क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। वेरी गुड रक्षा, अक्षय, शंकर, संदीप, बिल्कुल सही बेटा, मोनिका, दीपाली, गायत्री, ओके। डबल ईपी रोम रहती है। कैसे? आपका फोन किस तरह का डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आजकल आप लोग फोन में मेमोरी कार्ड नहीं यूज करते हो, आप डायरेक्टली अपना डेटा किस में स्टोर करते हो? रोम में स्टोर करते हो। जब आप लोग फोन लेते होंगे तो रैम और रोम का कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करते होंगे। क्यों करते हो? क्योंकि आजकल हम डायरेक्टली अपना डेटा स्टोर रोम में करते हैं। तो रोम में जो आप फोटो सेव करते हो या वीडियो सेव करते हो, आप उसको किसके माध्यम से डिलीट कर देते हो? आप क्या मदरबोर्ड से निकालने बैठते हो क्या? उसमें डिलीट तो होता है, तो डिलीट होता है तो पी रोम तो नहीं हुई। अब इसको तो मैंने बताया था अल्ट्रा वायलेट लाइट के माध्यम से सर्किट से निकाल के, तो इतनी माथा पौड़ी तो हम करने नहीं बैठे, तो ये भी नहीं होती है। जो होती है वो होती है बेटा डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम होती है, इलेक्ट्रिकली आप डेटा को उसमें स्टोर भी कर सकते हो लाइट के माध्यम से, और उसे इरेज भी कर सकते हो। आपका फोन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली आप उसमें डेटा स्टोर करते हो और डिलीट करते हो। तो हमारे फोन में जो होती है वो होती है डबल ईपी रोम। इसके अलावा आप लोग देखते हो वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन जो आती है उसमें एक प्रोग्राम सेट करके भेज दिया जाता है कि अगर जो आपका जो भी चलाने वाला है 15 मिनट करे, तो 15 मिनट पे सेट करे, तो 15 आपको 10 बार इधर से घूमेगी क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो उसमें भी एक प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है, तो वो भी किसमें सेट किया जाता है? रोम में। तो आपके वॉशिंग मशीन में भी क्या होती है? रोम होती है। आपका जो माइक्रोवेव होता है उसमें आपका एक स्पेसिफिक फंक्शन रहते हैं कि चावल बनाना है तो 30 मिनट के लिए सेट करो, बाफले बनाना है तो 45 मिनट के लिए करो, आलू आपको बाफना है, आलू बॉईल करना है तो थैली में डाल के हम लोग करते हैं ना, 2-3 मिनट में हो जाता है। तो हर चीज के लिए एक फंक्शन सेट है। तो यह कौन सी मेमोरी में डाला जाता है? माइक्रोवेव में भी आपकी यूज होती है रोम चिप, रोम में डाला जाता है कुछ फंक्शंस, तो वहां पे भी आपकी होती है रोम चिप।
तो ये आपको याद रखना है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट आपको ये जनरल चीजें भी पता होनी चाहिए कि हम कौन सी रोम यूज करते हैं। तो हम जो यूज करते हैं डबल ईपी रोम होते हैं। नहीं बेटा ये फर्स्ट क्लास नहीं है, बहुत लंबे समय के बाद ये फर्स्ट क्लास है, बट इसके पहले मेमोरी की दो क्लासेस आपकी हो चुकी है। अब आते हैं सीपीयू की मेमोरी पर, कैश मेमोरी पर। सीपीयू की मेमोरी देखो, बातें मत करिए। माइक्रोवेव बेटा जिसमें अपन खाना बनाते हैं ना, वो होता है आपका माइक्रोवेव। जिसमें कुकिंग की जाती है वो होता है आपका माइक्रोवेव। चलिए कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी एक छोटी बहुत उच्च गति वाली मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच होती है। यह होती है आपकी कैश मेमोरी, ठीक है। यह है आपकी मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी जो कि आपकी होती है रैम, रैंडम एक्सिस मेमोरी। रैम और सीपीयू के बीच में एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी, जहां पे वह डेटा और इंस्ट्रक्शन, वह प्रोग्राम रखे जाते हैं जो बार बार उपयोग में आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, जो आपके डेली यूज में आती है चीजें, आप उसे अलग ही रख लेते हो ताकि आपको जल्दी से मिल जाए, ठीक है। नहीं तो कबर्ड में आपके कितने सारे कपड़े रहते हैं, शादी में जाने के, पार्टीज के लिए अलग, वहां के लिए अलग, स्कूल कॉलेजेस के लिए अलग। बट आप लोग डेली में जो चीजें यूज आती है उसे आप अलग ही रख लेते हो। ऐसा आप लोग क्यों करते हो, ताकि आपको वो जल्दी मिल जाए, जल्दी प्राप्त हो जाए। अगर सारा एक साथ रख लोगे तो क्या होगा, आपको ढूंढने में वक्त लगेगा। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है जिसे कहा जाता है कैश मेमोरी। वहां पे वह डेटा और इंस्ट्रक्शन, निर्देश रखे जाते हैं जो बार बार उपयोग में आ रहे हैं, फ्रिक्वेंटली यूज्ड हो रहे हैं, बार बार उपयोग हो रहे हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, सीपीयू रैम के पास जाएगा और डेटा लेगा, उसके कंपैरिजन में वो अपने पास में एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी, जहां पे सिर्फ वही डेटा और निर्देश रखे जाते हैं जो बार बार उपयोग में किए आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, फास्टर एक्सेस होगा, तुरंत प्राप्ति हो जाएगी और उसकी प्रोसेसर की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। आपका कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप फास्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो कैश मेमोरी इज अ स्मॉल वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, ठीक है। हाँ खुशबू, ये क्लास कंटिन्यू रहेगी बेटा, ठीक है। तो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में आती है आपकी कैश मेमोरी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में एक बफर के रूप में कार्य करती है, जहां पर सीपीयू द्वारा त्वरित प्रोसेसिंग के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। मतलब कैश मेमोरी भी आपकी कैसी होती है, वोलेटाइल होती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कैश मेमोरी और रैम में जो डेटा होता है, सब में होती है बेटा कैश मेमोरी। और आपको कैश क्लियर करने का ऑप्शन भी आता है, जैसे ही आप क्लियर करते हो आपका मोबाइल फास्ट वर्क करने लगता है, ठीक है। क्योंकि कैश मेमोरी बहुत कम एमबी में होती है, बहुत कम अवेलेबल होती है। इसलिए होती है क्योंकि वहां पे केवल वही डेटा और इंस्ट्रक्शन रखे जाते हैं जो बार बार उपयोग में आ रहे हैं। आया समझ में। इसके पहले बेटा मेमोरी की तो दो क्लासेस हो चुकी है, उसके पहले 20-30 क्लासेस हो चुकी है आपकी। तो आपको समझ में आया यहां तक, देख लीजिए कैश मेमोरी, रैम। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अगर ये स्पेशल ऑफिसर का क्लास होता तो मैं आपको बताती L1 L2 L3 के शेप, पर आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सीपीयू और मुख्य मेमोरी रैम के बीच में एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी, जहां पे वह डेटा और इंस्ट्रक्शन रखे जाते हैं, डेटा और निर्देश रखे जाते हैं जो बार बार उपयोग में आ रहे हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया,
जैसे आप लोग डेली यूज में आने वाली चीजें अलग रख लेते हो ताकि आपको इजीली एक्सेसिबल हो जाए। आया समझ में कैश मेमोरी? चलिए, कैश मेमोरी के एडवांटेज क्या है? कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में तेज होती है, ठीक है, मतलब रैम से तेज होती है कैश मेमोरी, या मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस टाइम लेती है। कम एक्सेस टाइम मतलब होता है डेटा को लिखने और पढ़ने में लगा समय। सीपीयू जो होता है वो किसके करीब होता है? कैश के करीब। तो कैश से डेटा को लिखने और पढ़ने में जो समय लगता है, एक्सेस टाइम होता है, इसका क्या होगा? कम होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समोसे बांटे जाए तो जो पहले सामने लाइन में होगा उसको पहले मिलेगा, मतलब उसका एक्सेस टाइम क्या होगा? कम होगा। समोसे प्राप्त करने के लिए जो एक्सेस टाइम होगा वो क्या होगा बेटा? कम होगा। समोसे से आपको जल्दी याद आता है, और ये हमारे ऑफलाइन बैच वाले बच्चे ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि उन्हें समोसे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। सुनिए, कहने का मतलब ये है कि पहले जो सामने बेंच पे बैठे होंगे अगर समोसे बट रहे हैं तो उनका एक्सेस टाइम क्या होगा? कम, क्योंकि वो समोसे जल्दी प्राप्त कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कैश मेमोरी जो होती है उसका एक्सेस टाइम कम होता है, सीपीयू उससे जल्दी डेटा एक्सेस कर लेता है क्योंकि वो पास होता है, ठीक है। आया समझ में कैश मेमोरी? अब समोसे से तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एक्सेस टाइम, ठीक है। कोई है ऑफलाइन बैच वाला? हमारे ऑफलाइन बैच वाले बच्चों को समोसे लगते रहते हैं। इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। जब आप लोग को जो वह जो निर्देश है बार बार उपयोग में आ रहे हैं उसे आप अलग से रख लोगे तो वो क्या होगा? आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। मैं खाने का ही एग्जाम्पल देती हूँ, जिससे सबको प्यार होता है वो ही होना चाहिए, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज इसका बेटा, सीपीयू की मेमोरी मैंने आपको बताया था रजिस्टर, और जो L3 कैश होती है वो भी रजिस्टर आपका सीपीयू में होती है। नहीं बेटा, मैं M2 बैच से आई थी तो M2 बैच से M3 M4 M5 वाले सब खा चुके हैं। देखिए, डिसएडवांटेज क्या है इसका? ये बहुत महंगी होती है और इसकी क्षमता बहुत कम होती है, कुछ केबीज में ही, किलोबाइट्स में ही इसकी क्षमता होती है, ठीक है, कुछ केबीज में ही इसकी क्षमता होती है। तो ये कैसी होती है? बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है। चलिए, कैश मेमोरी सबको समझ में आया? यहां तक देख लीजिए, फटाफट देखो कैश मेमोरी समझ में आया या नहीं बेटा। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का चार्ट आप लोगों को याद हो तो प्राइमरी मेमोरी में मैंने आपको तीन मेमोरी बताई थी, सीपीयू, रैम एंड रोम। सीपीयू में आपका रजिस्टर और कैश मेमोरी। रजिस्टर आपको मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, टाइप्स ऑफ रजिस्टर भी पढ़ा चुकी हूँ जिसके फुल फॉर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीपीयू मेमोरी कंप्लीट हो चुकी है, फिर आपका रैम कंप्लीट हो चुका है, रोम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है सिक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी, उसमें सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग पहले देख रहे हैं सिक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी, ठीक है। उसमें भी आपको मैंने चार्ट में दो टाइप की बताई थी, सिक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सिस मेमोरी। सिक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी के अंदर जो होती है, सिक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी डेटा को कैसे पढ़ती है? सिक्वेंस में, क्रमानुसार पढ़ती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जो आपकी सिक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी का उदाहरण है, आपकी जो कैसेट्स आती थी उसमें क्या होता था, अगर आपको पांचवें गाने पे जाना है तो आप लोग पहले से फॉरवर्ड फॉरवर्ड करते जाते थे, तब जाके आप पांचवा गाना प्ले कर पाते थे। मतलब डेटा को कैसे पढ़ा जाता था? क्रमानुसार, क्रम में। आप डायरेक्टली पांचवे गाने पे नहीं जा पाते थे। तो ये किसका उदाहरण है आपका? सिक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी का। किसका है? सिक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी का, क्रमानुसार मेमोरी का एग्जाम्पल है, ठीक है।
इसमें इसी वजह से इस मेमोरी में डेटा को पढ़ने और लिखने में क्या होता है, समय ज्यादा लगता है। ठीक है, डेटा को पढ़ने और लिखने में समय अधिक लगता है। इस कारण इसका उपयोग ऐसी जगह किया जाता है जहां लगभग सभी डेटा को प्रोसेस करने की जरूरत होती है, जैसे पेरोल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है हर महीने जनरेट होता है और सबके घरों के लिए आता है, तो वहां पे कौन सी मेमोरी यूज कर सकते हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, जहां पे डेटा को क्रम में पढ़ा जाता है, क्रमानुसार पढ़ा जाता है, वहां पे होती है आपकी सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। क्लियर है? उसका उदाहरण है आपका मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में आपकी आती है ये आपकी कैसेट, इट इज अ सिक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी, यह क्रमानुसार मेमोरी है, यह एक प्रकार का मैग्नेटिक स्टोरेज है। मैग्नेटिक स्टोरेज मतलब क्या होता है, जिसमें मैग्नेटिज्म के थ्रू, मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकीकरण के थ्रू डेटा को लिखा और पढ़ा जाता है, वो कहलाता है आपका मैग्नेटिक स्टोरेज। यह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने हेतु प्रयुक्त होता है। मैग्नेटिक टेप को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। जो आप लोग ये कैसेट आती थी ना, ये कैसेट को आप किस में लगाते थे, एक ड्राइव में लगाते थे जिससे चलती थी, उसे टेक्निकल भाषा में कहा जाता है मैग्नेटिक टेप ड्राइव। इसे कहा जाता है मैग्नेटिक टेप ड्राइव। तो ये आपने सबने देखी है, जिसमें इसे लगा के चलाया जाता था उसे कहा जाता है मैग्नेटिक टेप ड्राइव। चलिए आगे पढ़ते हैं इसका वर्किंग। इसका वर्किंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं इसका वर्किंग। इसमें एक प्लास्टिक के रिबन पर मैग्नेटिक पदार्थ, कौन सा होता है मैग्नेटिक पदार्थ, आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, जिसे विद्युत हेड से प्रभावित कर डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसमें जो प्लास्टिक की है, सब रिबन से आप लोग खेले हो या नहीं, ये रिबन सबने खेली होगी। ठीक है, जब कैसेट खराब हो जाती थी तो इस रिबन से खेला जाता था, तो सबने इसे टच करके देखा होगा। ये एक प्लास्टिक की रिबन होती थी जिसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती थी, जो कि आपका कौन सा होता है, आपका होता है आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड होता है, क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, और जिसे विद्युतीय हेड से प्रभावित कर डेटा को स्टोर किया जाता है। कहने का मतलब है इसमें मैग्नेटिज्म के थ्रू, चुंबकीकरण के थ्रू डेटा को स्टोर किया जाता है, इसलिए ये किसके उदाहरण में आती है, मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण में। ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा को मैग्नेटिज्म के थ्रू डेटा को स्टोर किया जाता है। देखो सावी बोल रही है हमने खेला है, हाँ इससे खेला ही जाता था, जब खराब हो जाती थी कैसेट तो खेलते थे। तो कहने का मतलब है आपने देखा होगा प्लास्टिक की होती थी वो रिबन, तो उसके ऊपर जो कोटिंग होती थी वो मैग्नेटिक मटेरियल की होती थी, तो इसमें डेटा आपका मैग्नेटिज्म के थ्रू, चुंबकीकरण के थ्रू स्टोर किया जाता था। इसमें जो होता था रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या होता है आपका, मैग्नेटिक टेप पर स्टोर किए गए डेटा को रिकॉर्ड कहा जाता है। आप लोग कभी भी कैसेट में गाने भरवाने गए हैं, अगर गए होंगे तो आप क्या बोलते थे कि ये गाने रिकॉर्ड कर दीजिए, इसमें ये गाने इसमें भर दीजिए, तो उन गानों को क्या कहा जाता था, कैसेट में डेटा लिखने को कहा जाता था रिकॉर्ड। क्या कहा जाता था, रिकॉर्ड। मैग्नेटिक टेप पर स्टोर किए गए डेटा को रिकॉर्ड कहा जाता है। हम लोग जब खाली कैसेट लाते थे उसमें अपने गाने गुनगुनाते हुए आवाज भरते थे, तो उसे कहा जाता था रिकॉर्डिंग। मतलब कहने का मतलब यह है इसमें डेटा को स्टोर करना मतलब क्या कहलाता है, रिकॉर्ड करना। क्लियर है? अरे नहीं जाऊंगी बेटा, आप डेली रहेगी क्लास। फिर आपका इंटर रिकॉर्ड गैप क्या होता है,
इंटर रिकॉर्ड गैप, ये सब टेक्निकल चीजें हैं, बट हम लोग एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंटर रिकॉर्ड गैप क्या होती है? दो अलग अलग डेटा में अंतर करने के लिए उनके बीच कुछ खाली जगह छोड़ दिया जाता था, जिसे इंटर रिकॉर्ड गैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटर रिकॉर्ड गैप कहते हैं। जैसे आप लोगों ने ऑडियो कैसेट सुनी है, क्या होता है, पहला गाना जब खत्म होता था तो उसके बाद जब दूसरा गाना चालू होता था तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता था। याद कीजिए, सबने कैसेट में गाने सुने होंगे, ठीक है, सबने कैसेट में गाने सुने होंगे, उसमें आपने देखा होगा जब पहला गाना खत्म होता होगा और जब दूसरा गाना चालू होता है तो उसके बीच में गैप होती है। तो डेटा के बीच में जो अंतर होता है उसे कहा जाता है इंटर रिकॉर्ड गैप। और मैग्नेटिक डिस्क का आपका एग्जाम्पल है ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, वीसीआर की जो कैसेट्स होती थी ना पहले, जिसमें शादी की आप लोग देखते थे वीसीआर, पहले सीडी डीवीडी नहीं होती थी, वीसीआर के अंदर ही देखा जाता था, वो किसका एग्जाम्पल है आपका, मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है। किसका एग्जाम्पल है आपका, मैग्नेटिक टेप का उदाहरण है, मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है। यहां तक समझ में आया, वर्किंग समझ में आई? वर्किंग से जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ आपको थ्योरेटिकली बता रही हूं कि ऐसा होता है। चलो आगे समझ में आया। हाँ, ऑडियो कैसेट में तो होता था बेटा, गाने सुने कि नहीं आप लोगों ने, कभी नहीं सुने क्या? दो गानों के बीच में जो गैप होता था उसे तकनीकी भाषा में इंटर रिकॉर्ड गैप कहते हैं। आरडीबीएमएस मिस्टर राजेंद्र, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है, वो होता है आपका RDBMS। ठीक है, ये हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ेंगे। चलिए, ये आपको समझ में आया। अब देखते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें वांछित सूचना को डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, इसमें वांछित सूचना या डेटा को सीधे पढ़ा जा सकता है, इस कारण डेटा को पढ़ने में कम समय लगता है। इसके उदाहरण है आपके फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सब इसके उदाहरण है। जैसे आज की तारीख में अगर आपको कोई गाना सुनना है तो आप डायरेक्टली वही गाना सुनोगे या फिर सीक्वेंस में आता है आपके, आजकल नहीं होता है, आपके फोन में 50 गाने स्टोर्ड है, अगर आपको 40 नंबर वाला सुनना है तो आप डायरेक्टली उसको प्ले करते हो। मैं पेन ड्राइव में डेटा लेकर आती हूँ, मुझे जो पर्टिकुलर पेन ड्राइव खोलनी है, जो वांछित पीडीएफ खोलनी है वही खुलती है, तो वो किसका उदाहरण है आपका, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। तो याद रखना है, इसमें वांछित सूचना या डेटा को सीधे पढ़ा जा सकता है, इससे क्या होता है कम समय लगता है। ठीक है, तो ऑडियो कैसेट में आपको बताया था मैंने क्रम में पढ़ते हैं, डायरेक्ट में आपका डायरेक्टली, तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का उदाहरण आपका ये सब है। प्रेजेंट में जो हम लोग यूज करते हैं वो जनरली आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होता है, आप डायरेक्टली जिस डेटा को पढ़ना चाहते हो उसे पढ़ सकते हो, वो कहलाता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में आपका पहला है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क में आपका है फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क मतलब जिसमें मैग्नेटिज्म के थ्रू, चुंबकीकरण के थ्रू डेटा को पढ़ा और लिखा जाता है, वो होती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क को और किस नाम से जाना जाता है, फ्लॉपी डिस्केट और सिंपली डिस्क। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लॉपी इज ऑल्सो नोन एज, तो फ्लॉपी को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे डिस्केट भी कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, डिस्केट। यह कैसी होती है, सर्कुलर डिस्क होती है, यह एक गोल डिस्क होती है, आप लोगों ने देखी होगी, यह इस तरीके से गोल डिस्क होती है। ये जो बाहर आपको चोकर दिख रहा है ये इसका कवर है, इसके अंदर जो फ्लॉपी होती है ये होती है गोल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लॉपी का क्या शेप है, हम लोग हमेशा इसे बॉक्स में देखते हैं, इसे चोकर डब्बे में देखते हैं,
तो हम लोग गलत कर देते हैं क्वेश्चन का आंसर, हम लगा देते हैं स्क्वायर, बट एक्चुअली में बेटा वो स्क्वायर नहीं होती है, वो होती है अंदर से गोल, ये होती है आपकी गोल। तो आपको याद रखना है फ्लॉपी डिस्क आपकी, अरे बेटा हार्ड डिस्क आपको बाद में पढ़ाऊंगी, अभी एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे ना। फ्लॉपी डिस्क आपकी जो होती है वृत्ताकार डिस्क होती है, गोल डिस्क होती है, ठीक है। ये इसके दोनों ओर चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है, मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है इसके बोथ साइड, ठीक है। यह एक प्लास्टिक के चोकर कवर में संरक्षित रहती है, जिसके भीतर फ्लॉपी की सफाई करने वाली मुलायम लाइनें होती है, ठीक है। ये फ्लॉपी आपकी अंदर से कैसी होती है, गोल होती है, और किसमें संरक्षित रहती है, आपका स्क्वायर कवर में। हार्ड डिस्क बेटा पूरी खोल के पढ़ा दूंगी मैं, ठीक है। एक क्लास आपकी हार्ड डिस्क की, या तो कल, आज अपना हुआ नहीं है बहुत सारा, या फिर परसों जो रहेगी, फ्लॉप हार्ड डिस्क आपको एक एक कंपोनेंट पूरा अंदर से खोल के पढ़ा दूंगी। तो बेटा अभी ये आप लोग फ्लॉपी डिस्क पढ़ो, हार्ड डिस्क की क्लास आपको एक दो दिन में ही मिल जाएगी, तो तब पढ़ लेना। सुनिए, आपका बता रही थी फ्लॉपी डिस्क, ये तीन साइजों में उपलब्ध होती है। एग्जाम में इसके साइजेस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली फ्लॉपी जो थी वो IBM कंपनी ने बनाई थी, जो कि 8 इंच की थी, ठीक है। फ्लॉपी के साइजेस मैं आपको बता रही थी, फ्लॉपी जो होती है तीन साइजेस में अवेलेबल थी, अब यूज नहीं होती इसलिए कहा है थी। 8 इंच की जो कि आपका 786 या 800 KB डेटा स्टोर करती थी, 5.25 इंच की जो 1.2 MB डेटा स्टोर करती थी, और 3.5 इंच की जो 1.44 MB डेटा को स्टोर करती थी। तो फ्लॉपी के साइजेस आपको याद रखने हैं, बहुत सारे कंप्यूटर के एग्जाम में पूछा जाता है 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है वह कितना डेटा स्टोर करती है, तो ये सिर्फ 1.44 MB, इतना कम डेटा स्टोर करती है, इसलिए इसका उपयोग आजकल बंद हो गया है। आजकल इतने MB में तो एक फोटो गाना ही हो जाता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है बेटा, तो ये आपका 1.44 MB डेटा स्टोर करती है, तो इसके साइजेस आपको याद रखने हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कितना डेटा स्टोर हो सकता है वो पूछा जाता है। फर्स्ट फ्लॉपी किसने बनाई, IBM ने बनाई, ठीक है, 8 इंच की बनाई थी। आप लोग जनरली देखते होंगे कि आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसमें कभी भी आपको ड्राइव्स जो मिलती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव मिलती है, कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, बताइए कि कभी आपने सोचा है कि सी ड्राइव, डी ड्राइव ऐसा क्यों होता है, ए और बी क्यों नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जब IBM ने पहली फ्लॉपी डिस्क बनाई थी तब उसने ए और बी जो लेटर है वो रिजर्व कर दिए थे फ्लॉपी डिस्क के लिए। किसके लिए रिजर्व करे थे, फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व करे थे। इसलिए कभी भी आप लोग हार्ड डिस्क के कभी भी पार्टीशन होते हैं तो आप लोग हमेशा देखते हो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव देखते हो। कभी भी आप लोगों ने हार्ड डिस्क के पार्टीशंस में डेटा स्टोरेज के लिए आपने ए और बी नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं देखे थे, क्योंकि ए और बी किसके लिए स्टोर्ड है, आपका फ्लॉपी के लिए। थैंक यू यामिनी, थैंक यू सो मच बेटा। ये PDF मैं आपको बेटा प्रोवाइड कर दूंगी, इसके बाद आप आराम से नोट्स बना लीजिएगा, अभी आप लोग सिर्फ समझिए। अरे फ्लॉपी बेटा आपका नॉन वोलेटाइल है, फ्लॉपी डिस्क जो होती है ये बेटा आपकी नॉन वोलेटाइल है, इसमें जो डेटा होता है स्थाई स्टोर्ड होता है, परमानेंट स्टोर्ड होता है, ठीक है। ये है आपकी नॉन वोलेटाइल, तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्लॉपी डिस्क पर कोई सूचना लिखने या उसे पढ़ने के लिए एक विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आपने देखा होगा, पहले ऐसा स्क्वायर शेप में आता था, आपका बॉक्स जैसा, जो आपका सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, जो आपका काला डब्बा नहीं होता है जिसमें आप CD लगाते हो, आजकल DVD लगाते हो, तो वैसे ही वहां पे
आपका फ्लॉपी डिस्क लगाने के लिए जो आपका सिस्टम यूनिट में जगह होती थी, जहां पे फ्लॉपी लगाई जाती थी, वो कहलाता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। वो जगह क्या कहलाती है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहलाती है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बेटा आपको पीडीएफ हमारे उस पे मिलेगी, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे। चलिए, समझ में आ रहा है बेटा? आज का टाइम अपना खत्म हो चुका है क्योंकि नेक्स्ट है, तो कल मैं आपको यही फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम लोग सेशन इतना ही रखते हैं क्योंकि जो मैंने सोचा था उतना हो नहीं पाया है, ठीक है? तो कल मैं आपको ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बाकी कंप्लीट करवाऊंगी, फिर कल हम लोग हार्ड डिस्क पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज के लिए हम लोग सेशन इतना ही रखते हैं। ये है हमारा पीबी फाउंडेशन का नया बैच जो 19 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, दोपहर 2 से 8, ठीक है? तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश पटवारी का जो हमारा बैच है 1899 में, इसकी वैधता है 12 महीने, ये आप ले सकते हैं। उसके लिए आप अगर आप एडिशनल 10% डिस्काउंट चाहते हो तो आप SP10 कोड यूज करोगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। यू विल गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट, ठीक है? तो ये आप ले सकते हो। मेरे जो पढ़ाया है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो बेटा, ये हमारा चैनल बहुत इंफॉर्मेटिव है, एक बार ज्वाइन करो तो आप खुद नहीं छोड़ोगे इसे कभी। ये हमारी विनर्स की है जो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये है हमारे ऐप के सारे फीचर्स, डेली लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड व्यूज, डाउनलोड वीडियो ऑप्शंस, टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट, नोट्स, पीडीएफ्स। ये है हमारे विनर्स के यूट्यूब चैनल्स। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो ये आप चैट बॉक्स में डाल रहे हो कमेंट, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको पढ़ के कैसा लगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। या आप जिसमें कर रहे हो बेटा लाइव, ये चैट बॉक्स होता है, कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो आपको ये सब टर्मिनोलॉजीज भी पता होनी चाहिए कि ये चैट बॉक्स होता है। तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। लास्ट में थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।